में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। यहाँ मैंने एक कटोरी फुल भर के लिया है बेसन, उतनी ही मात्रा में मैंने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, साथ में मैंने हाफ कटोरी से थोड़ा ज्यादा लिया है शुद्ध घी। इसके बाद स्वाद अनुसार मैंने लिया है शुगर, साथ में मैंने लिया है एक छोटी कटोरी सूजी, इसके साथ मैंने लिया है एक छोटी कटोरी मिल्क पाउडर, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, साथ में मैंने लिए कुछ पीसेस इलायची के फ्लेवर के लिए। तो अब देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने लड्डू बनाना। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे अपना शुद्ध घी। यहाँ हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे अपनी सूजी और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। हमारी सूजी को फ्राई होते हुए लगभग 2 मिनट हो गए, अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना बेसन और इसे अच्छे से मिलाएंगे। एक साथ नहीं ऐड करेंगे नहीं तो हमारे लम्स बन जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम अपना बेसन इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसे बिल्कुल धीमी फ्लेम पर ही लगभग 10 से 12 मिनट तक हम भूंजेंगे। अब जब तक हमारा बेसन अच्छे से भूंज रहा है तब तक हम अपनी चाशनी भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो दूसरी साइड हम एक पैन में एक कटोरी से थोड़ी कम शुगर और उस पर उतना ही पानी डालकर, हमें इसकी एक तार या दो तार की चाशनी नहीं चाहिए, हमें बस इसमें अपने शुगर को मेल्ट करना है। और जैसे ही हमारी शुगर मेल्ट हो जाती है हम इसमें ऐड कर देंगे इलायची पाउडर। तो ये देखिए हमारा बेसन अच्छे से भूंज गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे अपना डेसिकेटेड कोकोनट और इसे अच्छे से मिलाएंगे। कोकोनट इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने मिल्क पाउडर लिया था, वो मैं डाल रही हूँ अब इसमें मिल्क पाउडर और इसे भी हम अच्छे से मिलाएंगे। मिल्क पाउडर डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप इसे ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने अच्छे से इसमें मिल्क पाउडर और डेसिकेटेड कोकोनट को मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें धीमे धीमे करके अपनी शुगर सिरप ऐड करेंगे और हमारा शुगर सिरप भी बन गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग आधी चम्मच इलायची पाउडर और गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। अपने बेसन में धीरे धीरे करके शुगर सिरप ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अपने बेसन में शुगर सिरप को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम गैस की फ्लेम को एक बार फिर से ऑन करेंगे और अपने मिक्सचर को गाढ़ा होने तक अच्छे से पकाएंगे। तो हमारा बेसन अच्छे से गाढ़ा हो गया, अब हम गैस की फ्लेम को करेंगे बंद और इसे थोड़ा ठंडा होने पर इसके बॉल्स यानी लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आप मेरी बताए हुए पूरे स्टेप फॉलो करेंगे ना तो आप बहुत ही टेस्टी बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बेसन के घर पर बनाकर तैयार कर लेंगे। मिक्सचर हल्का ठंडा हो गया, बस इस स्टेज में हमने इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो हम थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसके अच्छे से बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी बेसन का लड्डू घर पर बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम बाकी के लड्डुओं को भी तैयार कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बेसन के लड्डू घर पर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। इस होली पर ये वाली रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।